बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फाइनली आई गॉट अ जॉब, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उस 38 साल शख्स के अल्फाज हैं जिसने अपने एक दस्तखत से 19 अरब US डॉलर कमाए। वो चेक लिया और वो उस फूड स्टैम्प फलाही अदारे की उस औरत के पास गया और जाके उसको कहा, फाइनली आई गॉट अ जॉब। और रोते हुए उस फलाही मरकज से निकल गया। इस कहानी का आगाज होता है यूक्रेन से, जहां ये शख्स, इसकी वालदा और इसके वालिद शदीद गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे। वालदा ने बेटे को लिया और कैलिफोर्निया में आके सेटल हो गए, लेकिन गुर्बत ने वहां भी इनको नहीं छोड़ा। ये वहां पर होमलेस शेल्टर्स में अपने आप को, इसकी वालदा ने रजिस्टर करवाया और ये दोनों वहां रहना शुरू हो गए। ना नौकरी, ना घर, ना खाने पीने को। और ये वहां पर फूड स्टैम्प फलाही, जो उनकी एक स्कीम है, उसके थ्रू ये स्टैम्प लेते थे और अपना खाने का बंदोबस्त करते थे। वालदा ने मुख्तलिफ नौकरियां करनी शुरू कर दी पैसे कमाने के लिए। तो इस शख्स ने वहां पर एक पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। जब ये हाई स्कूल पहुंचा तो इसने एक ग्रोसरी स्टोर पर नौकरी शुरू कर दी, जहां इसका काम था वहां के बाथरूम, उस ग्रोसरी स्टोर के फर्श और जितनी खिड़कियां थीं उनकी सफाई। और ये हर रोज ये वहां वो करता था, सुबह पढ़ता था और सेकेंड हाफ में ये वहां जाके नौकरी करता था और अपनी वालदा के साथ पैसे कमाता था। जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो इसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की और अपनी पहली नौकरी इसने याहू में करनी शुरू कर दी, जहां इसने 9 साल वो नौकरी की। मगर गुर्बत ने फिर भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ये याहू में नौकरी करता रहा, बहुत मेहनत की, अनथक मेहनत की, सुबह से लेकर रात तक ये मेहनत करता था, काम करता था और पैसे कमाता था। 2007 में जब फेसबुक अपनी अरूज पे पहुंचा तो इसने फेसबुक में नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो फेसबुक ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि तुम में फेसबुक में नौकरी करने के लिए पोटेंशियल नहीं है। लेकिन इसने इस रिजेक्शन को हार नहीं समझा, ये डटा रहा, ये लगा रहा, ये याहू में ही रहा और मेहनत करता रहा। उसी साल इसने पैसे जोड़ के एक आईफोन खरीदा। बस ये आईफोन खरीदना था कि इसकी जिंदगी बदलने वाली थी। इसने सोचा कि क्यों ना इस पर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जो हैक ना हो सके, जिसके जरिए आप फोन कॉल कर सकें, जिसके जरिए आप जो चाहे डॉक्यूमेंट शेयर करें और जो अपनी तस्वीर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये थी जो इसके दिमाग में थी कि ये हैक ना हो। इसने अपना ये आइडिया अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रायन एक्टन से डिस्कस किया और ये दोनों जुड़ गए अपने इस आइडिया के साथ। और फिर दिन हो के रात हो, जो मर्जी हो, इन्होंने 2 साल अपनी जिंदगी के, ये सुबह नौकरी करता था याहू में और रात को आके अपने, ये दोनों बल्कि नौकरी कर रहे थे और रात को ये इसके ऊपर काम करते थे 2 साल। उन 2 सालों में कई मर्तबा इसके दोस्त ने इसको कहा कि हम फेल हो गए हैं, हम नहीं कर सकेंगे, हमने अपनी जिंदगी के 2 साल जाया कर दिए, छोड़ दो, नहीं करते इसको।
लेकिन इस ये एक ऐसी डिटर्मिनेशन थी इसके अंदर, इसने कहा नहीं ये हम करेंगे। और आप देखें कि 2009 में इस बंदे ने, इस शख्स ने टेलीकम्युनिकेशन में वो रेवोल्यूशन क्रिएट की जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी, जिसने टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बुनियादें हिला के रख दी। एक ऐसी एप्लीकेशन जो आज से पहले कभी भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में किसी ने सुना नहीं था इसके बारे में। और यह एप्लीकेशन जो आज इस दुनिया में 2 अरब लोगों से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो मैं और आप और दुनिया में ये 2 अरब लोग, हम फोन बाद में लेते हैं, उस सबसे पहले एप्लीकेशन ये वाली डाउनलोड होती है और उस एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्सएप। और जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है जेनकॉन। ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गई तो इसको बहुत लोगों ने इसके पीछे आ गए कि हमें ये बेच दो, हमें बेच दो। 2014 में फेसबुक ने इसको अप्रोच किया जेनकॉन को और कहा कि ये एप्लीकेशन हमें बेच दो और डील फाइनल हो गई। तो जेनकॉन ने एक शर्त रख दी फेसबुक के साथ और कहा कि ये एप्लीकेशन मैं आपको जरूर बेचूंगा, लेकिन इसकी जो साइनिंग सेरेमनी है वो उसी फूड स्टैम्प फलाही अदारे के दफ्तर में होगी जहां मैं और मेरी माँ सुबह से लेकर रात तक सिर्फ फूड स्टैम्प्स को लेने के लिए बैठे रहते थे। और फिर वही हुआ, फरवरी 2014, फेसबुक की टॉप मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पहुंचे और ये वो दूर कुर्सी में बैठा हुआ आंसुओं के साथ रो रहा था क्योंकि इसकी वालदा फौत हो चुकी हुई थी, उनको कैंसर था, वो फौत हो गई और वो रोई जा रहा। और इसने वो जब दस्तखत किए तो एक दस्तखत ने इसको $19 बिलियन का चेक इसके हाथ में दिया। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स $12 अरब, ये एक शख्स ने $19 अरब कमाए और विद इन मिनट्स $1 बिलियन क्लब, जिसमें दुनिया के अरबोंपति का वो क्लब है, उसमें अपना नाम इस बंदे ने लिखवाया। लेकिन इस सारी सक्सेस स्टोरी और इंस्पिरेशन के पीछे एक राज है, वो राज ये है कि इसकी डिक्शनरी में गिव अप वाले लफ्ज जो है वो नहीं है। इसने दुनिया की इतने फेलियर्स फेस किए, इतनी हार्डशिप्स फेस की, इतना भूख और पॉवर्टी फेस की, ये गिव अप नहीं करता था। इसने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया कि मेरी डिक्शनरी में आई गिव अप ये वर्का नहीं है। आज हमने भी अगर कुछ बड़ा करना है, अपने गोल्स को पाना है, तो आपको भी ये वर्का अपनी डिक्शनरी में से निकालना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा उस गोल की तरफ जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। और ये जेनकॉन हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है जिसने 38 साल में वो कर दिखाया जिसके ऊपर आज भी व्हाट्सएप के बगैर फोन हमारा अधूरा है। अपनी जिंदगी में गिव अप नहीं करना, लगे रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।